अब्दुल रजाक और दानिश कनेरिया आए आमने सामने, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सोल्ड आउट, और क्या बाबर आजम करेंगे अपनी पीएसएल फ्रेंचाइज चेंज। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फैन टोपिया, दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, विच इज खबरें शबरें। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा इज आउट ऑन अ मिशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ क्रिकेट एंड पाकिस्तान। सेनेट कमेटी से बात करते हुए रमीज राजा ने बताया कि आईसीसी का मेजर रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है और पाकिस्तान आईसीसी से फंडिंग लेता है। इफ इंडिया स्टॉप्ड फंडिंग टू आईसीसी तो पीसीबी माइट कोलैप्स, इसलिए जरूरी है कि हम खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करें। रमीज स्पीकिंग बिफोर सेनेट कमेटी हैज रिवील्ड दैट न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज कॉन्टेक्टेड पीसीबी टू रीस्केड्यूल देयर टूर टू पाकिस्तान और लाइकली नवंबर 2022 में ये टूर रीस्केड्यूल हो। We are all excited to host them again, despite of whatever happened in the past. But some terms and conditions must be defined this time before playing New Zealand. ECB's chairman Ian Whatmore has stepped down from his position following the criticism on the decision to cancel their tour to Pakistan. England has faced a lot of backlash from South Asian nations since their notorious pullout. Pakistan's social media campaign against England has brought them to a halt that they have lost their chairman. However, England board said that they are fully committed to a full-fledged tour to Pakistan next year and will be fully prepared to handle any exception. Pakistan's erstwhile all-rounder Abdul Razak has expressed his feelings toward Indo-Pak clash later this month. He said, "With the quality of talent Pakistan has currently, India cannot compete with them." और उनकी इस स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर दानिश कनेरिया आए मैदान में और कहा कि पाकिस्तान डजंट हैव स्टेबिलिटी इन देयर बॉलिंग एंड बैटिंग एंड हाउ कैन यू रिलाई ऑन अ टीम जिसको इंग्लैंड की बी टीम ने बआसानी हरा दिया था। ही फर्दर सेड दैट सिंस वसीम एंड बकार देयर इज नो बेटर बॉलर बॉर्न इन पाकिस्तान हु कैन नेल अ यॉर्कर लाइक बुमराह। रियली दानिश, डोंट यू रिमेंबर उमर गुल हु वाज कॉल्ड गुल डोजर बिकॉज ऑफ हिज यॉर्कर्स? लगता है आपकी मेमोरी काफी कमजोर है, बादाम खाया करें आप। टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सबसे बड़ा मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई स्टेडियम में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा और तमाम क्रिकेट शायकीन इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप फैंस की एक्साइटमेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टिकट्स फॉर द क्लैश वर सोल्ड आउट विद इन आवर्स ऑफ बीइंग अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जनरल, प्रीमियम, प्लैटिनम, नन ऑफ द टिकट्स वर अवेलेबल एंड सेवरल फैंस टुक सोशल मीडिया टू आस्क पीपल इफ दे आर सेलिंग देयर टिकट्स। वेस्ट इंडीज बॉलिंग लेजेंड माइकल होल्डिंग हैज क्रिटिसाइज्ड इंग्लैंड बोर्ड ऑन देयर डिसीजन टू कैंसल देयर टूर टू पाकिस्तान। इट्स बीन 3 वीक्स लेकिन इंग्लैंड बोर्ड को अभी तक लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। होल्डिंग फेल्ट दैट इंग्लैंड हैज शोन द वेस्टर्न एरोगेंस लाइक दे डिड अर्लियर ड्यूरिंग द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। ही ऑल्सो प्रेस्ड पाकिस्तान फॉर टूरिंग इंग्लैंड ट्वाइस ड्यूरिंग पेंडेमिक। उनका मजीद ये कहना था कि अगर ऐसी ही सिचुएशन इंडिया में होती तो इंग्लैंड कभी ऐसा ना करता क्योंकि दे आर रिच एंड पावरफुल। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सोशल बाजियां। Recently, Balochistan was struck with an earthquake that has taken many innocent lives. As a nation, we all were very heartbroken upon hearing the news. Our cricket stars also shared their love and condolences to all the affected people of the region. Rawalpindi Express was seen bowling after a very long time and he definitely bowls better than many current bowlers. Mr. Chief Selector, is there any chance for late inclusion in the World T20 squad? Shahid Afridi pe nikle King Kohli ke fan. विराट पोस्टेड अ वीडियो ऑफ हिम प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स जिसको लाला ने रीट्वीट करते हुए लिखा, ग्रेट प्लेयर ऑलवेज गिव्स 100% इन प्रैक्टिस। उमर अकमल फिर से आए सुर्खियों में एज ही लेफ्ट फॉर यूएसए फॉर सम पर्सनल मीटिंग, लेकिन लोग उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि वो यूएसए क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। उमर अकमल टुक टू ट्विटर टू आस्क पीपल टू स्टॉप स्प्रेड फेक न्यूज अबाउट हिम। ऑन द अदर हैंड, हियर इज अ वीडियो ऑफ पाकिस्तानी स्टार प्लेइंग क्रिकेट इन यूएसए। Basit Ali has discovered a new bowling sensation in the face of Abdullah Sarfaraz. Abdullah's smooth outswing to Basit is a treat to watch. And when asked ki bade hoke kya banoge, to future star ne foran se jawab diya, Mohammad Aamir. Kya banenge batao? Mohammad Aamir. Captain of Pakistan cricket team Babar Azam ne visit kiya Qalandars ka high performance center. He was welcomed by Atif Rana and Aqib Javed. Babar also took part in plantation ceremony. Babar seemed very happy with the management of Lahore Qalandars.
कहीं बाबर की कराची किंग्स छोड़ने वाली खबर सच तो नहीं होने वाली? Have you ever copied an assignment from a friend and they told you to change it a little? Well, our very own Naseem Shah did something very similar to this when he wished Shadab Khan on his birthday. Picture mein thodi gadbad kar di as he attached Shadab's face over Shaheen's. And now it's time for Fantasy Nama. नेशनल T20 का लाहौर लेग है स्टार्टेड और मुकाबला और भी सख्त होता जा रहा है। संडे को डबल हेडर में पहला मैच होगा सदर्न पंजाब वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा। सदर्न पंजाब जरावल पिंडी में खेले गए अपने तमाम मैचेस हार चुकी थी, इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन लाहौर और लगता ये है कि शायद वो सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएं। सेकेंड मैच में सेंट्रल पंजाब विल टेक ऑन बलूचिस्तान। Central Punjab has been a very strong team throughout the tournament, but since many of their players have gone into quarantine because they're a part of T20 World Cup squad, Balochistan may have an upper hand on Central Punjab. आप इन तमाम मैचेस में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं to win exciting prizes by creating your fantasy teams on Cricwick app. IPL has reached playoff stage और आपके पास है आखिरी मौका ढेरों इनामात जीतने का। Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore, दिल्ली कैपिटल्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, आपके ख्याल में कौन सी टीम बनेगी IPL चैंपियंस? पेनिंग स्टार्स की बात करें तो फैफ डुप्लेसी हैज बीन इन अमेजिंग फॉर्म दिस सीजन। CSK के सुपर किंग फैफ को आप अपनी टीम में जरूर शामिल करें टू गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड ऑफ फैनटोपिया। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।